नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। पश्चिम बंगाल का दूसरा सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया आसनसोल से सटा लच्छीपुर, जहां पिछले 4 दिनों से लगातार पुलिसिया कार्रवाई जारी है। पश्चिम बंगाल चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल के शिकायत पर बुधवार की रात्रि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा की गई ताबड़तोड़ व्यापक पैमाने पर छापामारी के बाद यौन पेशा में संलिप्त कई नाबालिग लड़कियों, ग्राहक और दलालों को अरेस्ट किया गया था। उसके ठीक दूसरे दिन आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयोग निरीक्षण को पहुंचे लच्छीपुर में और सभी तरह की जानकारियां वहां से हासिल की। वहीं लच्छीपुर में संचालित कई दुकानों के मालिकों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा वहां पे चल रहे एनसीसी क्लब के संचालकों में से भी कई लोगों को अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद आज शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस द्वारा लच्छीपुर में चल रहे कई दुकानों और मकानों को सील कर दिया गया। वैसे मकानों को सील किया गया जहां पे यौन पेशा का कार्य किया जाता था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि लच्छीपुर एक रेड लाइट एरिया है, जो आज़ादी के दशकों बाद से यहाँ पे यौन कर्मियों द्वारा देह व्यापार करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण किया जा रहा था। विगत 4 दिनों से लगातार पुलिसिया कार्रवाई के कारण यहाँ पे कार्यरत यौन कर्मियों के सामने आर्थिक संकट मंडराने लगा है। चूँकि डेढ़ दो वर्ष से कोरोना के कारण वैसे भी उनकी स्थिति भुखमरी के कगार पर पहुंच चुकी थी, अब पुलिसिया कार्रवाई के कारण उनकी हालत, उनकी स्थिति और भी बदतर हो गई है, जिसके कारण यहां से कई यौन कर्मी प्लान कर गए हैं, कुछ प्लान करने के स्थिति में हैं। लेकिन ऐसी यौन कर्मियां जो जिन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी यहां व्यतीत कर दी है, उनके समक्ष बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। यहाँ पे यौन कर्मियों के संरक्षण के लिए तत्कालीन एसपी द्वारा यहाँ पे एक संस्था बनाई गई थी, दिशा जनकल्याण केंद्र, जिसके मार्फत यहाँ पे जो यौन कर्मियाँ थीं उनका देखभाल करना, उनके बच्चों को पढ़ाना लिखाना और मुख्य धारा पर जोड़ना उनका काम था। दशकों से चले आ रहे इस रेड लाइट एरिया का काफ़ी विस्तार हुआ और यहाँ पे यौन पेशा के अलावा और भी कई कारोबार फलने फूलने लगे। इससे भी इनकार नहीं है कि कई राज्यों के अपराधी यहाँ पे आके अपने शरण लेते थे। नाबालिग लड़कियों से यौन पेशा करवाना के साथ साथ ड्रग्स जैसे संगीन व्यापार भी यहाँ पे होने लगे थे, जिस पर पुलिसिया कार्रवाई को सराहनीय बताया जा सकता है। वहीं लच्छीपुर की यौन कर्मियों का कहना है कि इतने दशकों से यहाँ पे यौन पेशा का कार्य किया जा रहा था, तो क्या इतने दिनों से पुलिस को खबर नहीं थी? क्या इतना बड़ा देह व्यापार का धंधा बिना पुलिस के, बिना सफेदपोश के, बिना नेता मंत्री के, बिना क्लबों के चलाया जा सकता है? उन्होंने कहा कि नाबालिग लड़कियों को यहाँ लाना गैरकानूनी है, यहाँ तक सही है, लेकिन जो बालिग लड़कियाँ हैं जो परिस्थिति का शिकार होकर ये पैसा कर रही हैं और अपने आश्रितों को, अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं, उन्हें छूट देनी चाहिए थी।